नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एनवी डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रेमलता आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले, कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जिसका उपयोग शिक्षा के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। 25 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह लेकर के मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हूँ, क्योंकि ये 25 प्रश्न जो हैं आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आना संभव है। ये 25 प्रश्नों का जो संग्रह होता है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को जगह जगह से चुनते हुए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा आकार दिया है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न को मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझाया है। 25 प्रश्नों का ये महत्वपूर्ण संग्रह है जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाला है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र की जानकारी को लेकर मैं आपके सामने आज इन 25 प्रश्नों का जो संग्रह है वो लेकर के उपस्थित हूँ। सूचना एवं संप्रेषण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के जनक कौन थे या किसको माना जाता है। प्रश्न किसी भी तरीके से आपको आपके सामने आ सकता है कि कंप्यूटर के जनक कौन थे और कौन इन किसको इनका जनक माना जाता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स बैबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कॉल बताइए, कौन सा कंप्यूटर है जो दूसरी पीढ़ी का है। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की शुरुआत 1955 से मानी गई है, तो 1955 की शुरुआत जब होती है उसमें 9 और जोड़ने पर 1900 जो आपके आता है 64, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 के कंप्यूटर थे उनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन LAN का पूरा नाम बताइए। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पहली कंप्यूटर भाषा का क्या नाम था। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं कि पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वो क्या नाम से जानी जाती थी। तो है फोरट्रॉन, फोरट्रॉन नाम से ये कंप्यूटर भाषा जानी जाती थी। पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है इनियक, ENIAC, इनियक नाम से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जाना जाता था। कंप्यूटर के IC का क्या अर्थ है, कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ है, यानी हिंदी में इसका अर्थ है एकीकृत परिपथ, इंग्लिश में से इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नौवां क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर के लिए IC चिप प्रथम किस पदार्थ की बनाई जाती है। तो ये जो सिलिकॉन की बनाई जाती है, चिप होती है कंप्यूटर के अंदर, IC चिप जो होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के निर्माता का क्या नाम है। तो मार्क जुकरबर्ग जो हैं फेसबुक के निर्माता हैं। इस फेसबुक का जो काम क्या है, नाम है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ये। इसकी स्थापना सन 2004 से मानी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रश्न के अंदर तीन प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट में कितने विट होते हैं, एक वाइट में कितने विट होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा 8 विट एक वाइट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW का पूरा नाम क्या है, इसकी शुरुआत किसने की थी। एक क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर होंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है और इसकी शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने की थी।
आप इसको शॉर्ट से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपके आते हैं तो आप इसका टिम ली भी इसको याद रखोगे। तो टिम वर्नर्स ली इसके जो हैं वो शुरुआत इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे कहा जाता है? तो वो है रैम, RAM। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा रोम, ROM। रोम का पूरा नाम बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न आता ही आता है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो अक्सर प्रतियोगिता में आते रहते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ईमेल का जनक कौन है? ईमेल मतलब ईमेल है वो किसने बनाई? तो ईमेल के जनक हैं आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क हैं ईमेल के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि नेटवर्क किसे कहा जाता है, लेकिन नेटवर्क का भी नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क तो इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें किस जगह संग्रहित होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। रिसाइकल बिन होती है, उसके अंदर कंप्यूटर की जो डिलीट फाइलें होती हैं वो वहाँ पर संग्रहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो वेब ब्राउजर का नाम बताइए। वेब ब्राउजर होते हैं किन्हीं दो का नाम? तो पहला है क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। पहली जो वेब ब्राउजर है वो है क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। सेकेंड है सफारी, ओपेरा मिनी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना क्लियर कर देती हूँ, ये क्रोम है, ये गूगल की है, इससे गूगल, ये क्रोम है गूगल का है, इससे गूगल पे सर्चिंग का काम किया जाता है, और ये सफारी है, ये एप्पल की है, इससे भी सर्चिंग का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट, इसका पूरा नाम कोई जानता है और कोई नहीं जानता है, तो इसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन यहाँ पे है, बग क्या है? किसी प्रोग्राम में त्रुटि से मतलब एरर जो आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा में बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट फाइल क्या है? बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन है, ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि ये जो करेंसी है ये हमारी ऑनलाइन करेंसी है, इसको हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देती है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? बिटकॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, 1 MB में कितने KB होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम इतना जान लेते हैं कि MB का पूरा नाम मेगावाइट और KB का पूरा नाम किलोवाइट है। तो 1 MB में कितने KB होते हैं, यानी कि 1 MW में कितने किलोवाइट होते हैं? क्वेश्चन दोनों तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है 1024 KV। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा स्टूडेंट, भारत सरकार द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी प्रतियोगिता में पूछा जा सकता है, जिससे आज तक हम वंचित हैं, शायद हमें नहीं पता है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो उसको हम बॉस नाम से जानते हैं, लेकिन बॉस का पूरा नाम मैं आपको बता देती हूँ, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन VOSS। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए स्टूडेंट, दो क्वेश्चन हैं आपके, दोनों को
का जो क्वेश्चन अलग अलग है और इनको आप कंफ्यूज ना हो, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। भारत सरकार द्वारा कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर पहला, सेकेंड है डिजिटल कंप्यूटर और लास्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये किसके आधार पर हो गए? कार्य प्रणाली के आधार पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा जाता है? ये तो था हमारा क्या, कार्य प्रणाली के आधार पर। अब कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला माइक्रो, सेकेंड है मिनी, थर्ड है मेनोफ्रेम और फोर है सुपर कंप्यूटर। आज के ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह मैंने आपको बताया है। सभी स्टूडेंट्स इनको नोट डाउन कर लें, इनको लिखते हुए पढ़ें, याद करें, तो ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे रीट है, बीएड है आपका, आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी प्रतियोगिता बैंक वगैरह की जितनी भी प्रतियोगिताएं हमारे भारतवर्ष में होती हैं, उन सभी में, RSCIT के कोर्स में, सभी में ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे क्वेश्चनों की ये क्वेश्चनरी यदि आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, मेरे नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।